different topics, one channel, ANY Plus TV. Like and subscribe for upcoming videos. जी तारिक साहब, क्या प्रॉब्लम है? कुछ परेशान नजर आ रहे हैं आप। हाँ यार, बस वो मेरा असल में यूट्यूब पर चैनल था, वो मोनेटाइज हुआ। मैंने उसके लिए एडसन के लिए ना वो पिन के लिए अप्लाई किया। अच्छा, अभी मुझे समझ नहीं आ रही वो मैंने कितनी बार किया है, इसलिए मुझे ना वो थोड़ा उसके बारे में वरी है। समझ नहीं आई मैं कितनी दफा अप्लाई कर चुका हूँ, या बड़ी मेहनत की उसके ऊपर, दिन रात काम भी किया, माशाल्लाह वो मोनेटाइज भी हो गया, सब सही था। बस उसकी पिन के लिए मैंने अप्लाई किया, सही है। अच्छा, अभी वो मैं दो बार तीन बार अप्लाई किया, मुझे वो भी याद नहीं है। वो इसके लिए मुझे थोड़ा सा ना वो उसके बारे थोड़ी टेंशन है कि डिप्रेस हो रहे हैं आप। डिप्रेस हो, जाहिर इतनी मेहनत की, इतना स्ट्रगल किया, इतना सब कुछ किया, मोनेटाइज भी हो गया, सब कुछ हो गया। अच्छा, अभी सिर्फ पिन पे आके मुझे थोड़ा ना उसके लिए वो प्रॉब्लम फेस हो रही है। इसके लिए मैं चाह रहा था कोई नहीं। आप एक काम करें, आप ANY प्लस की वीडियोस देखें तो आप जो है ना आपको सारी कन्फ्यूजन उसमें दूर हो जाएगी। तो आप जो है ना जितनी भी पिन आपने भेजी है सब कुछ आपका वो वेरीफाई भी होएगा इंशाल्लाह, और आपके डॉलर भी आएंगे। ठीक है, आप वीडियो देखें इंशाल्लाह, कोई बात नहीं। थैंक यू, इंशाल्लाह मैं चेक करता हूँ। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, खालिद फियाज ANY प्लस टीवी की तरफ से आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। फ्रेंड्स, अभी आपने एक क्लिप देखा जिसमें एक तारिक साहब है, उन्होंने अपना चैनल बनाया, मोनेटाइज किया और पिन के लिए अप्लाई किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भूल गए कि उन्होंने कितनी बार अप्लाई किया। फ्रेंड्स, तो मैंने उनको मशवरा दिया कि जनाब आप एक काम करें, आप ANY प्लस टीवी की टेक वीडियोस देखें, इंशाल्लाह आपके जो प्रॉब्लम्स हैं ना वो 99.9% सॉल्व हो जाएंगे। तो जाहिर है उन्हें मशवरा देने वाला और कोई नहीं था, वो मैं ही था। जस्ट वीडियो को एक इंटरेस्टिंग लुक देने के लिए, इम्प्रेशन देने के लिए मैंने ये छोटा सा क्लिप ऐड किया। बहरहाल चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ। मेरे साथ भी ये कन्फ्यूजन क्रिएट हुई थी कि जब मैंने एडसेंस की पिन के लिए अप्लाई किया तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि तीन बार अप्लाई करने के बाद आप मैनुअल वेरिफिकेशन पर जाएँ, या चार बार अप्लाई करने के बाद मैनुअल वेरिफिकेशन पर जाएँ। लेकिन जब मैंने आपने मेरी लास्ट वीडियोस कुछ देखी होंगी तो मैंने क्रिएटर हेल्प टीम से मदद ली और उनसे पूरा प्रोसेस को समझा। उस समझने के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि बाकी जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनके लिए आसानी हो जाए और एडसेंस की पिन वेरिफिकेशन की अटेम्प्ट्स को समझने के लिए। तो चलते हैं फ्रेंड्स इस वीडियो की तरफ। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और इस वीडियो के बैकग्राउंड में भी मैंने बहुत दफ़ा कहा है कि प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आपको विजुअली मैं भी अब कह रहा हूँ कि प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। आपको कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा और मैं कोशिश करूँगा कि उनका आंसर दे सकूँ। आप चैनल को पसंद कर रहे हैं और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, तो आपका शुक्रिया अदा करते हुए आपको लेके चलता हूँ मैं इस वीडियो के लास्ट पार्ट में, जिसमें मैं आपको एक स्लाइड दिखाऊंगा और उसमें आपको कोशिश करूँगा इस प्रोसेस को समझाऊँ। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। गूगल एडसेंस के हवाले से पिन वेरिफिकेशन में आपने कितनी बार ट्राई कर चुके हैं और कितनी अटैम्प्ट आपकी बाकी हैं? असल में बात यह है कि इस वीडियो को समझने के लिए इसको पूरा देखें और लाइक एंड सब्सक्राइब भी करें। अगर आपने वीडियो पूरी देख ली तो आप, उम्मीद करता हूं कि आपकी बहुत सी कन्फ्यूजन जो हैं वो पिन अप्लाई करने के हवाले से क्लियर हो जाएंगी। तो वीडियो में आगे चलते हैं और लेट्स क्लियर द कन्फ्यूजन। फ्रेंड, जैसा कि आपको मालूम है कि आफ्टर मोनेटाइजेशन जब आपके एडसेंस में $10 ऑटोमेटिकली हो जाते हैं, जब आपका रेवेन्यू $10 तक पहुंच जाता है, तो एडसेंस क्या करता है? एडसेंस ऑटोमेटिकली आपकी फ़र्स्ट अटैम्प्ट खुद से कर देता है और आपकी पिन जो है आपके एड्रेस पर सेंड हो जाती है। इन केस के 30 डेज़ में वो जो ऑटोमेटिकली पिन अप्लाई हुई और आपके एड्रेस पर नहीं आई, तो फिर आप उसको रीसेंड का ऑप्शन यूज़ करते हुए सेकेंड टाइम अप्लाई करते हैं। अब समझने की बात इधर है कि हम लोग जो यूज़र्स हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, वो ये समझते हैं कि जो हमने रीसेंट का ऑप्शन फ़र्स्ट टाइम यूज़ किया है उसी को हम कहते हैं कि हमने फ़र्स्ट टाइम पिन अप्लाई की है। असल में वो फ़र्स्ट टाइम नहीं होता, वो सेकंड टाइम होता है। फ़र्स्ट टाइम यूट्यूब ने ऑटोमेटिकली आपकी पिन जो है वो फ़र्स्ट अटैम्प्ट कर चुका होता है। सेकेंड टाइम रीसेंट का ऑप्शन यूज़ करने के बाद इन केस कि आपकी पिन जो है वो फिर 30 डेज़ तक नहीं आती, then you go for your third attempt by pressing or by using the recent option. Third time करने के बाद भी अगर आपकी पिन 30 days में नहीं आती, then you go for the fourth and last try by the recent option.
अब समझने की बात इधर है कि देखें, जैसे कि आपको इस स्लाइड में नज़र आ रहा है कि रीसेंट का ऑप्शन हम 3 बार यूज़ करते हैं और जो ऑटोमेटिकली का ऑप्शन है वो यूट्यूब ख़ुद से यूज़ कर देता है, इसलिए हम लोग परेशान हो जाते हैं और कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं कि 3 बार अप्लाई करने के बाद क्या हम मैनुअल की तरफ जाएं या 4 बार अप्लाई करने की तरफ जाएं। अगर आप यूट्यूब के हवाले से सोचते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने 3 बार रिसेंड करने के बाद आप 4 टाइम ही अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अगर आप 4 टाइम अप्लाई करने के बाद रिसेंट का ऑप्शन यूज़ करते हुए अगर 15 से 20 दिन के अंदर 15 to 20 days अगर आपकी पिन रिसीव नहीं होती तो देन यू गो फॉर द मैनुअल वेरिफिकेशन। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये स्लाइड जो है ये समझ आ गई होगी और मैंने कोशिश की है कि इजी तरीके से आपको ये सारा प्रोसीजर समझाऊं, लेकिन मैं अब आपको एक चार्ट दिखाने वाला हूं। इस चार्ट जब आप देखेंगे तो आपको मज़ीद क्लियर होगा ये सब प्रोसीजर। तो ये देखें, ये 2 कॉलम बनाए हैं मैंने, एक यूट्यूब का कॉलम है और एक हम लोग जिसे आप यूट्यूबर कह लें या यूज़र कह लें उनका कॉलम है। अब यहाँ देखें आप नंबर ऑफ़ ट्राइज़ फॉर द पिन वेरिफिकेशन, यूट्यूब ने देखें ये 4 ट्राई की है, इसके बाद आप मैनुअल वेरिफिकेशन करते हैं, लेकिन हम लोग जो फर्स्ट ट्राई यूट्यूब की है उसको हम काउंट ही नहीं करते। इस सूरत में हम जब 3rd टाइम करते हैं तो हमारी भी एक्चुअली वो 4 टाइम हो चुकी होती है, लेकिन कन्फ्यूजन हमें ये होती है कि हमने 3 बार ट्राई किया है या 4 टाइम ट्राई किया है, लेकिन बात एक ही होती है। तो सिर्फ इस कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ कमेंट्स में कीजिए, मैं कोशिश करूँगा कि उसके भी जवाब दे सकूँ। आप मेरे चैनल को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता मेरा चैनल भी ग्रो हो रहा है, ये सब आप लोगों का प्यार है जो आप लोग मेरे चैनल को पसंद करते हैं और वीडियोस को पसंद करते हैं। मैं फिर कहूँगा कि मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और मिलते हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।